इस तरह के सॉरी टू यूज़ द वर्ड वाहियात कमेंट्स बहुत से आते हैं, तो वो देख के हैरत होती है कि यार शादी का मफहूम आपके लिए बेसिकली सिर्फ यही है। सही है, हमारे लिए शादी बेसिकली एक कंपेनियनशिप थी। वी वॉन्टेड टू बी टुगेदर सिंस वी वर लाइकिंग ईच अदर्स कंपनी सो मच, हमने कहा यार इसको फिर परमानेंट चीज कर लेते हैं ना, लेट्स हैव अ कंपेनियनशिप फॉर एवर टुगेदर। सो दैट वॉज द होल आइडिया। तो एज फार एज फैक्टर इज कंसर्न, आई थिंक देयर इज नो डिफरेंस देयर। आप मतलब वैसे ही इंजॉय करते हैं, आप वैसे ही हर मोमेंट को चेरिश करते हैं जैसे शायद अर्ली 20s या अर्ली 30s में की होती। बस फर्क इतना है कि अब आपको बहुत सारी चीज़ें समझ आ चुकी होती हैं। उस वक्त आप नासमझी में एक दूसरे का दिल भी दुखा देते हैं या बदतमीजियाँ भी हो जाती हैं या आप इग्नोरेंट हो जाते हैं। इस एज में आपको एग्जैक्टली पता है आप कहाँ खड़े हुए हैं, किस पोजिशन पर हैं आप, आपके पार्टनर को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, आप की क्या फीलिंग्स हैं, किस चीज़ को लेकर आपको किस तरह मूव आउट करना है। आई थिंक It's a good time to get married. I think this is even better actually. क्योंकि 20s 30s वालों के ऊपर पीयर प्रेशर भी होता है, फैमिली का प्रेशर भी होता है, आप बहुत सारी चीजों के नीचे दबे हुए होते हैं, अपने करियर में फाइनेंशियली खुद भी सेटल नहीं हुए हुए होते। मोहब्बत का मीनिंग चेंज हुआ आप दोनों के लिए ओवर टाइम? हाउ डू यू लीड लाइफ व्हेन वी टुगेदर? या बीइंग टुगेदर इज लव। किस तरह की बातें सुनने को मिली? अल्लाह अल्लाह करे। खवातीन ने बहुत अच्छी बात की कि आपने हमें होप दी है। मर जेलस हो गए होंगे ऑब्वियसली। मैंने पहले देखा, आपको पता चल गया था, इन्होंने देखा आपको फौरन। आपकी बेटी की भी शादी हो गई है, यू आर नॉट 25, तो अब आपके जज्बात मर गए। भाई मैं सबसे छिछोड़ता हूं, किससे बातें कर रहे हैं? हम दोनों में से किसी भी एक की गलती होगी तो वी विल नॉट से सॉरी, वी विल से आई लव यू। मैरिज इज नॉट स्लेवरी। आप पार्टनर्स हैं, आपने दिन रात साथ गुजारने, सोसाइटी को मुंह देना है, बच्चे पालने, आप सॉरियां करते रहेंगे। इज देयर एज डिफरेंस बिटवीन द टू ऑफ यू? यस, सेम एज। एग्जैक्टली द सेम एज। बेचारा आजकल ऑफिस नहीं जा रहा एंड आई एम आल्सो नॉट वर्किंग। आई डोंट थिंक यू बोथ आर कंप्लेनिंग ऑन दैट। नॉट एट ऑल। हम मियां बीवी अभी तक बन नहीं पाए एक्चुअली, हम अभी तक दोस्ती बने हुए हैं, अभी तक स्ट्रगल कर रहे हैं। निकाह तो मतलब बहुत अच्छी चीज है कि आप निकाह